गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज योर मैथ क्लास एंड वी आर स्टडिंग अबाउट रोमन नंबर्स। स्टूडेंट्स, आप लोग रोमन नंबर्स तो एलकेजी में पढ़ चुके होंगे, यहाँ तक सबको रिमेम्बर भी होगा, तो हम फिर से उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसको रिमेम्बर कर लेंगे। कि रिमेम्बर द रोमन नंबर्स 1 to 50। 1 से 50 तक आपको रोमन नंबर याद करने हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं जिनको आपको रोमन नंबर लिखने हैं। करके राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर्स। जैसे कि दिया हुआ 7, 21, 15, 17, 29, 22, 33, 16, 24 और 59। तो स्टूडेंट्स, आई होप अगर आपको ये रोमन नंबर रिमेम्बर होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इनको बनाने में, क्योंकि अंडर 50 ही ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बनाने में, और अगर नहीं भी रिमेम्बर है तो आप अपने एलकेजी के टेबल बुक से रिमेम्बर कर लेंगे। नंबर थर्ड में देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट द इंडो अरेबिक नंबर्स। अब देखिए, हम रोमन नंबर किसको कहते हैं? तो जैसे कि हम अभी लिखते हैं कुछ नंबर, ये देखिए ये क्या है, हम ऐसे लिखते हैं एक और एक ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं, तो ये कौन सा नंबर है? ये हमारा हिंदू अरेबिक नंबर है। क्या है? अरेबिक नंबर है। और हम इसको रोमन कैसे लिखेंगे? ऐसे 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 लिखते हैं, ये हमारा रोमन नंबर होता है। तो हमको याद किसको करना है? इसको करना है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, 10 तक यहीं पे तो रोमन नंबर लिखे हुए हैं। अब देखिए, तो ये रोमन नंबर में इन रोमन नंबर्स का हिंदू अरेबिक नंबर लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, अरे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी रोमन नंबर दिए हुए हैं उन सबका आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपको रिमेम्बर होंगे तो जरूर पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये 9 है, हम इसको 9 बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे रोमन नंबर, यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये 7 है। ये तो बहुत इजीली हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि 7 है, लेकिन हम लोग इसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता होगा कि हम रोमन नंबर में इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो गया, 7 हो गया, और ये हिंदू अरेबिक नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये तो रोमन नंबर आप लोग एलकेजी में भी पढ़े हैं और फिर से यूकेजी में भी रिपीट कर रहे हो। अब देखो, अगर आपकी बुक में नहीं है तो फिर मैं आपको रोमन नंबर के अगला वीडियो बनाकर दे दूंगी, लेकिन आप लोग की एलकेजी के टेबल बुक में है और आप लोग यूकेजी के भी टेबल बुक में रोमन नंबर है। और ये 1 से 50 तक ही नहीं है, आपको बुक में 1 से 1000 है, 1000 तक दिया हुआ है। आपको उन सारे को जरूरी नहीं 1 से 50 तक याद करें, आप इससे ज्यादा भी याद कर सकते हो और अपने मन से भी ऐसे फॉलोइंग रोमन नंबर में लिखना सीख सकते हो, हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना सीख सकते हो, ये सब आप कर सकते हो खुद से भी इससे। अब चलो, आप लोग इसको रिमेम्बर कर लेना और इसको अपने कॉपी में नोट कर अपने नोटबुक में इसको जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने घर में अपने गार्जियन से हेल्प ले लीजिएगा, और तब तक इसको रिविजन करिए और बनाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।